हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विन आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की जो हमारी चर्चा है वो है एमपीपीएससी 2021 के इंटरव्यू को लेकर के। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है और वो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, यानी बहुत सारे डाउट्स हैं, क्या करें, कैसे शुरुआत करें। इंटरव्यू तो बहुत भयानक तरह का होता है, कैसे हम उनको फेस करेंगे, क्या क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। तो ये एक वजह होती है कि इस वजह से भी मन में बहुत सारा डर रहता है, फोबिया क्रिएट कर दिया जाता है कि नहीं, इंटरव्यू में कभी किसी को बहुत ख़राब ख़राब नंबर दे दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करें हम लोग, किस प्रकार से इंटरव्यू को तैयार करें, आज का जो चर्चा है मैं इसी टॉपिक पे करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, कि कहाँ से हमको शुरू करना है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। जिन लोगों ने पहले इंटरव्यू दिया है उनको थोड़ा आसान होगा कि वो जब ये इंटरव्यू देंगे, क्योंकि वो फैमिलियर हैं किस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पर होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप एक बात श्योर रखिए, कोई नहीं जानता वहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चंस से आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि एक ही व्यक्ति जो पिछले इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आया, अगले इंटरव्यू में उसको उतने अच्छे नंबर नहीं मिले। तो ये कोई सर्टेन चीज़ नहीं है, जैसे कि रिटन एग्ज़ाम में होता है कि अगर एक बार आपने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो जितनी बार भी आप पेपर देंगे आप अच्छा ही करके आएंगे, क्योंकि सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं और लिखना होता है। लेकिन इंटरव्यू के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यानी इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके सोच कैसी है, वो किस तरह के प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं और क्या वो जवाब चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो आपको अच्छे नंबर नहीं देंगे। तो हो सकता है आप एक मेंबर के लिए बहुत अच्छे हों या एक चेयरमैन आपके आंसर से सेटिस्फाइड हों और दूसरी बोर्ड में जब आप जाएँ नेक्स्ट टाइम तो हो सकता है कि आपको अच्छे नंबर ना मिले, डिपेंड करता है। आज हम लोग ये समझेंगे कि हमने क्या क्या वो देखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जो है ये बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं होता कि आपने कितनी चीज़ें याद कर रखी हैं या कितना पढ़ रखा। हाँ, नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है, बट नॉलेज के सहारे हम बहुत दूसरी चीज़ों को एक्सिबिट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं वहाँ पर। इसको पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, हम लोग जानते हैं, और इसीलिए इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण। अलग अलग संस्थान, अलग अलग सेवाओं में अलग अलग तरह के व्यक्तित्व के लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप बात करेंगे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की, उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो अलग तरह के लोग चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और ख़ास तौर पे सीनियर पोस्ट, जैसे कि आप पीएससी के थ्रू जब सेलेक्ट होते हैं तो किसी न किसी डिपार्टमेंट के अपर पोस्ट पे आप जाते हैं, या कहीं न किसी डिपार्टमेंट को आप हेड करते हैं किसी सर्टेन लेवल पे, चाहे वो तहसील लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, या सब डिवीज़न लेवल हो। तो एक अलग तरह के उनको रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह के लोगों को हमको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि नॉलेज टेस्ट वो ऑलरेडी आपका कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक ही चीज़ देखना चाहते हैं, सुटेबल। इंटरव्यू के माध्यम से सुटेबल पर्सन की खोज की जाती है। ज़रूरी नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो और हो सकता है उसको इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर ना मिले, और सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर जॉब, जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए आप सुटेबल हैं या नहीं हैं। बेस्ट हैं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सेम कम नंबर पाने वाले भी सेम सर्विसेज के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसे किसी को एक 160 मिला होगा 175 में, और किसी को 135 भी मिला होगा, और यदि दोनों, एक कैंडिडेट जिसको 135 मिला हुआ है, अगर उसने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया, इसके बावजूद भी वो एसडीएम बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, तो सर्विसेज उसको सेम मिले। तो बात यह है कि मेंस सुटेबिलिटी चेक करते हैं वो लोग, तो आपको अपने आप को प्रूव करना है कि हम सुटेबल हैं इस प्रशासनिक सेवाओं के लिए। और यहाँ पर वो क्या क्या देखना चाहते हैं, अगर वो हम लोग एक बार समझ लें तो हम अपने व्यक्तित्व को तैयार कर सकते हैं आगामी कुछ दिनों में उस तरह के इंटरव्यू को फेस करने के लिए। 18 अप्रैल से इंटरव्यू प्रस्तावित हैं, अभी तक तो 18 अप्रैल ही डेट है, तो उसके हिसाब से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और बहुत लंबे समय की तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, मेरा मानना है कि 10 से 12 दिन अगर ठीक ढंग से दे दिया जाए, सही डायरेक्शन में दे दिया जाए, तो आप इंटरव्यू अच्छा से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हैंडल ही करना होता है अपने को।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं जिस पर इंटरव्यूअर का या बोर्ड का फोकस होता है। अगर आप देखें तो एरियाज की अगर हम लोग बात करें क्या क्या वो चेक करना चाहते हैं, आप कौन कौन से क्षेत्रों से वो बात करते हैं आपके ऊपर या क्या असेसमेंट करना चाहते हैं वो आपका। देखिए सबसे पहले जो देखा जाता है दैट इज मैनर्स, और ये मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, जो भी 2021 के इंटरव्यू हुए हैं या उसके पहले भी जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है या जिन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, आप उनसे बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले बोर्ड जो चाहता है कि आप वेल मैनर्ड हों। आप में बहुत सारा नॉलेज है लेकिन आप में मैनर नहीं है तो आप इंटरव्यू में आपको दिक्कत होने वाली है, तो वो सबसे पहले वो आपको देखेंगे कि आप में मैनर्स कैसे हैं, जो प्रशासनिक सेवाओं के लायक मैनर हैं या नहीं है, क्योंकि जिन लोग आपका जो डील करने वाले जो लोग होंगे वह न केवल सामान्य जनता होगी बल्कि आपसे अपर क्लास के अधिकारी नेतागण भी होंगे, तो आपको वेल मैनर्ड होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं सिचुएशंस को हैंडल करने के, केवल नॉलेज होने से कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज अगर है आप तो किसी चीज़ को हैंडल करने में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे हम देखते हैं ना कि एग्ज़ाम में अगर हमने सिलेबस को अच्छे से तैयार किया तो कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम जा कर के पेपर में लिख के आएंगे, उसी तरह से अगर आपके पास नॉलेज है तो कोई प्रश्न जब पूछेगा तो आपको ये पता होता है कि नहीं मैं इसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाऊँगा या दे पाऊँगी, तो कॉन्फिडेंस भी चेक करते हैं। और इसी के लिए आप देखते हैं कई बार वो लोग सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछते हैं, वो हम चर्चा करेंगे किस तरह से वो लोग इन सब चीज़ों को चेक करते हैं एक वन बाय वन। आपका एटीट्यूड, ये ध्यान रखिए आपके पीएससी के सिलेबस में भी है एटीट्यूड का टॉपिक फोर्थ पेपर में, आपका एटीट्यूड जो है यानी आपकी जो मनोवृत्ति है वो किस प्रकार की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति है तो वो कभी बड़े पद पे जो होगा वो बड़ी सिस्टम में व्यवस्थाएँ फैलाएगा, है ना, उसके उदाहरण हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। एक किस तरह से अगर एटीट्यूड ख़राब हो किसी का तो सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाएगा, वो उसके डिसीजंस जो होंगे वो ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग भी चेक की जाती है आपकी, आपको सिचुएशंस देख करके डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता, इसीलिए तो आपको सिचुएशन दिया जाता है, काल्पनिक सिचुएशंस दिए जाते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपने लर्न किया है 20-25 साल के स्टडी में या जो भी आपका अनुभव रहा है आप किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, उसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता, बस एक लॉजिकल होता है और एक एटीट्यूड पॉजिटिव शो होना चाहिए उसमें। कम्युनिकेशन, देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं किसके थ्रू आप उनको बताएंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तभी आप अपने नॉलेज को सही ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप लोगों ने मेंस क्वालिफाई किया है तो प्रेजेंटेशन का महत्व तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेम कंटेंट को गलत ढंग से प्रेजेंट करने पे उतने अच्छे नंबर नहीं मिलते, जबकि एक साधारण कंटेंट को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने पे अच्छे नंबर मिलते हैं। मेंस में ये बात होती है, आप सबको इस बात का पता है, ठीक ये चीज़ लागू होती है इंटरव्यू पे भी है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपका आप बातचीत ढंग से कर लेते हैं, आपका संप्रेषण अच्छा है तो आप किसी बैड सिचुएशन को भी बहुत अच्छे ढंग से टैकल कर लेंगे और वो उनको नाराज नहीं करेंगे तो वो आपको अच्छे नंबर्स दे देंगे। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो आपसे वो असेसमेंट करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी नॉलेज जो है वो मेंस के दौरान चेक नहीं हो पाता उतने अच्छे से, क्योंकि मेंस जो होता है या प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिविटी बेस्ड होता है, फैक्चुअल होता है, और इन सबको चेक करने के लिए जो आपके पास एक हथियार है वो है आपका नॉलेज, तो वो इसको भी पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, सीधी सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होते हुए भी कम होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन नॉलेज होगा तो आप अच्छे मन से जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपके पास होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल
हाई होगा। कॉन्फिडेंस लेवल हाई जब होता है तो हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना होता है। देखिए यहाँ एटीट्यूड से मतलब है पॉजिटिव होने से, नेगेटिव का नहीं होना है। हमेशा ये सोचना है जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाएं उसका हम सकारात्मक रूप से जवाब दें और ऐसा जवाब दें कि जिससे उनको हम सेटिस्फाई कर पाएं। एक और क्वालिटी जो मैं बोलना चाहूँगा, आपके आंसर्स में शो होनी चाहिए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रभक्ति की भावना, पेट्रोटिज्म की भावना, क्योंकि आप देश के लिए काम करेंगे, प्रदेश के लिए भी काम कर रहे हैं तो आप देश के लिए काम कर रहे हैं। आज आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, 15 साल बाद आप आईएएस भी बनेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर किसी व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं है, राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं है, तो वो मन लगा करके काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक सेवा है, सर्विस है। इस बात को ध्यान रखिए, ये एक सर्विस है और अभी राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। तो जिसके अंदर ये फीलिंग नहीं हुई कि हमें नेशन की सेवा करनी है, अपने राज्य के लोगों की सेवा करनी है, वो सही ढंग से जो है आंसर्स खासतौर से सिचुएशनल क्वेश्चंस का नहीं दे पाएगा। तो ये भी अपने आप कोई भी सिचुएशन ऐसी फंसे जहाँ पे कि नेशनलिज्म की बात आ रही हो, तो आपका जो जवाब होना चाहिए उसमें ये बात दिखाई दे कि आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना है, आपके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है। तो ये कुल 6-7 एरियाज़ हैं, जिन 6-7 एरियाज़ हैं जिनको हमको प्रिपेयर करना, और ये चीज़ें वो कहीं ना कहीं आपसे चेक कर लेते हैं, अलग अलग तरीक़ों से चेक कर लेते हैं। शुरुआत यहीं से होती है, मैनर्स से। अब मैनर्स कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं? अगर मैं बात करूँ, आप बोलेंगे सर मैनर्स तो हम लोग में होता है, किसी से हम झगड़ा थोड़ी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि झगड़ा करने वाले का ही मैनर खराब होता है। मैनर शुरू होता है आपके अपीयरेंस से। अपीयरेंस यानी कि जैसे आप दिखते हैं, आप जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले गेट खोलते ही आपको क्या होगा वो देखेंगे। अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, जो फॉर्मल्स से कहा जाता है कि फॉर्मल्स में जाना चाहिए, या आप सब जानते होंगे फॉर्मल्स में ही जाते हैं, तो अपीयरेंस उसी को बोलते हैं। आपके हेयर कट प्रॉपर होने चाहिए, शेव प्रॉपर होनी चाहिए, और अगर आपने शेव रखी है तो प्रॉपर सेट होनी चाहिए, ट्रिम्ड होनी चाहिए, और उसके लिए आपके पास वाजिब सुटेबल आंसर होना चाहिए कि आपने क्यों शेव रखी हुई है, दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको अपीयरेंस अपना ठीक करना है। मैनर्स का ही पार्ट होता है आपके जैसे हम वेस्ट करते हैं, या अभिवादन जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, जाने के साथ अभिवादन करते हैं। और एक तरीका होता है कि जब तक वो कहे नहीं तब तक आपको चेयर पे बैठना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको बुलाया गया है बैठने के लिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन क्योंकि वो आपसे सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं, तो वेट करिए, वो आपको बैठाएंगे। कई बार ऐसा अनजाने में गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं होती। गए और सीधे अगर बोर्ड मेंबर या चेयरमैन बिजी हैं तो कई बार गुड मॉर्निंग करने तक लोग भूल जाते हैं। तो बेहतर है आप इसको दिमाग में रखिए कि आप अंदर एंटर करने के बाद प्रॉपर उनको वेस्ट करें, और जब तक ना कहा जाए तब तक आप चेयर अपनी पे ना बैठें, वेट करें, वो खुद ब खुद आपको बोलेंगे। तो ये किसका पार्ट है? ये भी मैनर्स का ही पार्ट है। इंटरप्ट ना करें, डोंट इंटरप्ट। अगर बोर्ड मेंबर आपस में बात कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो बीच में इंटरप्ट ना करें, पहले उनको अपनी बात पूरी ख़त्म करने दें और फिर अपना जवाब दें, संतुलित जवाब दें। हो सकता है कभी कभी उकसाने के लिए आप लोगों को वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिससे कि आप उत्तेजित हो सकते हैं। आर्गुमेंट ना करें, ये भी एक मैनर का पार्ट है। डोंट बी आर्गुमेंटेटिव। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई जवाब दिया और आप सही हैं, आपका जो डेटा है वो सही है, लेकिन जो बोर्ड मेंबर हैं या जिस व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा है, इंटरव्यूअर ने,
वो गलत कह रहे हैं इसको, वो कह रहे हैं नहीं ये डेटा ये है, तो आप इस बात पे बहस न करें कि नहीं मेरा वाला सही है। आप उसको बोलें ठीक है सर मैं इसको जा कर के वापस चेक कर लूँगा। तो ये शो करता है कि नहीं आपको बड़ों की बात सुनने की एक एबिलिटी आपके अंदर है, आपके अंदर अच्छा मैनर है, ये मैनर शो करता है। हमेशा सही के लिए लड़ना ज़रूरी नहीं होता, ध्यान रखिए। कई बार ऐसा घर में भी सिचुएशन होती है कि बड़े अगर कुछ कह रहे हैं हो सकता है वो ठीक नहीं हो, लेकिन हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सही समय पे उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। उसी तरह अगर कोई बोर्ड मेंबर आपसे अग्री नहीं है और वो ज़ोर से बोलते हैं कि नहीं ये डेटा गलत है आपने क्या पढ़ा है, तो आपको वहाँ पर अपना ज्ञान नहीं झाड़ना है। ठीक है सर मैं इसको वापस से चेक कर लूँगा, इसको देख लूँगा और धन्यवाद आपकी जानकारी देने के लिए। तो यहाँ आप कम से कम ये शो कर रहे हैं कि आप वेल मैनर्ड हैं, आप आर्गुमेंट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है? मैनर्स का पार्ट है। ध्यान रखिए बोर्ड मेंबर्स आपस में बात कर रहे हैं तो आपको बीच में कुछ नहीं कहना है, चुपचाप शांतिपूर्वक बैठना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें, एकदम बेसिक बातें हैं और इनको अपने को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा हमारा था कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। कई बार क्या होता है आप देखेंगे कोई ऐसी सिचुएशन आपको देंगे और ये पूछना चाहते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या निर्णय लेंगे या आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। भले ही उसका कोई एग्जैक्ट आंसर आपके पास नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास तथ्य उपलब्ध हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बताइए। ज़्यादा नहीं पता है तो आप उनको बोल दीजिए सर इस विषय के बारे में मेरी जानकारी सीमित है और इतनी ही है और मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा। लेकिन जो जानकारी आप बताएं उसको उससे घबराइए नहीं। कई बार मान लीजिए आपसे क्वेश्चंस नहीं बने, उन्होंने 3 प्रश्न पूछे 4 प्रश्न पूछे तो आपको घबराना नहीं है। जनरली ये होने लग जाता है कि मेरे से प्रश्न नहीं बन रहा अब तो मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया। नहीं, वो बम्बार्डमेंट करते ही इसीलिए ताकि आप आंसर्स को दे नहीं पा रहे हैं तो आपके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ध्यान रखिए आपको जो नंबर मिलते हैं आपके आंसर्स देने के लिए मिलते हैं, जिनके आप आंसर नहीं देते हैं उसके लिए आपके नंबर नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि आपने तो उसका अटेम्प्ट किया ही नहीं। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिस प्रश्न का आपने जवाब दिया वो कितने अच्छे से दिया, कितना उसमें अच्छी सत्यता है, सही जवाब दिया है, उसके आधार पर आपको इवेल्युएट करते हैं वो लोग। तो अगर 4-5 प्रश्न नहीं बन रहे हैं कोई बात नहीं, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिसको सब कुछ आता हो? बहुत जनरल सी बात है, नहीं। एक्सेप्ट ऑलमाइटी, भगवान को छोड़कर या ईश्वर को छोड़कर कोई संसार में ऐसा नहीं जिसके पास हर प्रश्न का जवाब हो। तो आपके पास भी नहीं होगा और आपके पास उसका सिलेबस भी नहीं है कि आप ये पढ़ करके आइए। तो बेहतर है कि अगर आप नहीं जानते हैं एक्सेप्ट करिए कि सर मुझे नहीं आता या इस विषय के बारे में मेरी जानकारी सीमित है, जो अगर थोड़ी बहुत बातें आप बता पाते हैं तो, और स्वीकार करिए कि हम इसको जा करके पढ़ लेंगे। ये ज़रूर बताइए कि सर मैं इस टॉपिक को जा करके देख लूँगा, क्योंकि जब आप ये बताते हैं तो आप शो करते हैं कि आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी है, आप सीखना चाहते हैं। इंसान जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो जिस पद पे भी पहुँच जाए, सीखने की का कोई अंत नहीं होता है। प्रशासन में जाने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेंगी, तो वो ये जानना चाहते हैं कि हाँ आपके अंदर लर्निंग क्यूरियोसिटी है या नहीं, आप में ये इच्छा है या नहीं कि मैं जा करके इस टॉपिक के बारे में पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। तो वहाँ ये कॉन्फिडेंस के साथ ही बात करना है, नहीं आता तो नहीं आता, जानकारी सीमित है मेरी, आता है तो ठीक ढंग से जवाब देना है, उसके घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट हम लोगों का था एटीट्यूड। अब देखिए इस पे वो दो तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्योंकि सिलेबस में है आपके। एक तो सब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, अगर कोई पूछता है तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में आप उसको पढ़ करके एग्ज़ाम दे करके पास होकर के आए हुए हैं। और दूसरा एक सिचुएशन बेस्ड, यानी एक स्थिति दे दी जाएगी और उसमें आपका एटीट्यूड चेक किया जाएगा कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपकी मनोवृत्ति क्या है।
तो दोनों के लिए तैयार रहिए, सब्जेक्टिव भी आपको पढ़ के जाना है, सिलेबस में जो जो चीज़ें हैं आपने पढ़ा एक बार ब्रशअप जरूर कर लें, और सिचुएशन बेस्ड को इसी नॉलेज के बेसिस पे आपको इस तरह से आंसर को फ्रेम करना है, आंसर को जवाब देना है जो कि एक प्रशासक या प्रशासनिक अधिकारी की मनोवृत्ति के अनुरूप हो। समझ रहे हैं आप? आपने पढ़ा होगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के मनोवृत्तियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, क्या क्या उनके एटीट्यूड होने चाहिए। उस टॉपिक में डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब मॉक होंगे तो आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, या फर्दर जो क्लासेस होंगी क्वेरीज आपकी आएंगी तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उस आंसर को आप बेस्ड बनाइएगा अपने नॉलेज के बेसिस पे, ठीक। आपको शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग, ये भी एक अलग से एरिया मैंने ले लिया था, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। क्योंकि जब आप पीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, चाहे जिस पद पे भी हो, आप किसी न किसी स्तर पे डिसीजन मेकिंग का काम जरूर करते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए अधिकारी पद बनाया गया है। अधिकारियों को दिन भर डिसीजन मेकिंग करने होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक का। तो ये कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि टॉपर्स जो हैं एग्ज़ाम में, जो जिन्होंने टॉप किया, वो अच्छे डिसीजन मेकर्स नहीं थे और फेल हो गए, वो अपने करियर में अपने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाए। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत एवरेज स्कोर किया था, बस वो सेलेक्ट हो गए सर्विसेज में, लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी थी कि वो एक सफल प्रशासनिक अधिकारी बने। तो और आप जानते हैं डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है, ये पढ़ चुके हैं पेपर 4 में। ये भी लॉजिकल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आपसे पूछेंगे आपने डिसीजन किस आधार पे ले लिया। ऑब्जेक्टिविटी प्रशासनिक अधिकारियों का एक गुण होता है, तो ये ऑब्जेक्टिविटी शो होनी चाहिए आप जो भी निर्णय लेकर के उनको दें। जैसे एक सिचुएशन दी जाती है और आप उसमें कोई भी निर्णय बताते हैं, तो आप उनको बताएंगे किन तथ्यों के आधार पर आपने ये निर्णय लिया है। आपसे निश्चित तौर पर पूछा जाएगा क्यों लिया, क्यों ये विकल्प हम चुने, जैसे कि केस स्टडी के मामले में होता है। और अभी देखा गया है कि रेगुलर वो केस स्टडी एक या दो पूछ लेते हैं, लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे कैंडिडेट से केस स्टडी पूछी गई है 2019 और 20 के इंटरव्यू में। हम लोगों का एक था कम्युनिकेशन, को हम कह सकते हैं सामान्य बातचीत की भाषा में बोलें तो बोलना, बात कैसे करना है, और हिंदी में इसको संप्रेषण कहते हैं कि अपनी बात को ठीक ढंग से कैसे कह पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, क्योंकि सारा का सारा नॉलेज आपका बेकार हो जाएगा अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो, और व्यावहारिक रूप में भी सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो हो सकता है आपके लिए इतिहास उतना काम नहीं आए, आपके लिए अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो काम ना आए, लेकिन कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे आपको करना होगा अपने उच्च अधिकारियों से, अपने अधीनस्थों के साथ, है ना, जनता के साथ, जनता के प्रतिनिधियों के साथ। तो अगर आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव है तो आप सभी के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो बहुत बेहतर होगी। और इसके लिए लैंग्वेज पे कमांड होना जरूरी है, यानी कि भाषा। मेंस में भी ये रोल प्ले करता है, जितने अच्छे से आप कॉपी में कम्युनिकेट कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आंसर्स को, अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाते हैं ठीक ढंग से, तो आपको अच्छे नंबर निश्चित तौर पर मिलते हैं। इससे प्रूव हो जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है। अब कई लोग क्या होता है, बात नहीं कर पाते हैं। देखिए, लिखने में बहुत अच्छे हैं, होता है कि स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में आपने कभी 10 लोगों के सामने या 5 लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है, वहाँ भी आपको बोर्ड में 3 से 5 लोग हो सकते हैं, तो इतने सारे, और एक फियर फैक्टर मन में होता ही है, फोबिया मन में बैठा होता है, एक प्रेशर काम करता ही करता है। तो बोलना आप कुछ चाहते हैं, मुँह से निकलता कुछ है, या सुटेबल वर्ड्स सही समय पे नहीं आते क्योंकि आप अंडर प्रेशर होते हैं। तो पहले ही मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, और
अपने कम्युनिकेशन को ठीक करना है, इसको और अच्छे से इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो डेली बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, डेली बेसिस पे आप कन्वर्सेशन कीजिए, खास तौर से करंट अफेयर्स पे, करंट इश्यूज, जो समसामयिक मुद्दे हैं, अपने दोस्तों के साथ उस पर बात करिए, खुल के बात करिए, आई कांटेक्ट प्रॉपर रखिए। देखिए कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि दो तरह के कम्युनिकेशन हैं, एक है वर्बल और दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है जो हम बोल के करते हैं, जो हम शब्दों के रूप में बोलते हैं वो वर्बल है। नॉन वर्बल जो हम भाव भंगिमाएं देते हैं, हाव भाव जो होते हैं हमारे शरीर के, जैसे अगर मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड में से किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कोई और आपको प्रश्न नहीं आता और आपके माथे पे पसीना चालू हो गया, आपके हाथ पांव कांपने लग गए, तो भी आप एक कम्युनिकेशन दे रहे हैं कि आप नर्वस हो चुके हैं, आप घबरा चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हैं या आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ है, कमज़ोर है, तो आपका कम्युनिकेशन कमज़ोर हो गया। आप आई कांटेक्ट दे करके प्रॉपर बात नहीं कर रहे हैं या सहज नहीं हो पा रहे। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी आंखों में ही देखें, मतलब हमारा जो सिर हो सीधा हो और बात करते वक्त ये लगे कि हम बात कर रहे हैं उनसे, ऐसा नहीं हो कि हम नीचे देख करके बात कर रहे हैं। देखिए जब हम आपसे कोई बात कर रहा हो, नीचे देख के बात कर रहा होगा, तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, तो ये अच्छा मैनर नहीं माना जाता। इसीलिए जब भी आप बात करें तो सामने देखें, जो भी आपसे प्रश्न पूछा उससे बात करें, बीच बीच में आप अन्य लोगों को भी देख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको उन्हें देखना जिन्होंने प्रश्न पूछा है, क्योंकि आपको बाकी लोग भी सुन रहे हैं भले वो आपको नहीं देख रहे हैं। कई बार होता है इंटरव्यू मेंबर या चेयरमैन जो होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के, वो फाइल में देखते रहते हैं, लेकिन आपको सीधा ही देखना है। देखिए इंटरव्यू आपका है, उन लोगों का नहीं, तो आपको प्रॉपरली बिहेव करना है वहाँ पर, तो आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये भी अच्छा होना चाहिए। ठीक, आप समझ गए होंगे कि हमारे जो भाव भंगिमाएं, जेस्चर पोस्चर्स होते हैं बैठने के, चेयर पे प्रॉपर सीधे ढंग से बैठिए, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग घर में फैल जाते हैं वैसे नहीं फैलना है, ये सब बैड पोस्चर्स कहे जाते हैं वहाँ पे। तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, और एक वर्बल कम्युनिकेशन जो हम शब्दों के माध्यम से बोलते हैं। सही शब्दों का प्रयोग करिए। आप टेक्निकल अगर साइंस से क्वेश्चन हैं या प्रशासनिक सेवा से संबंधित प्रश्न हैं, राजनीति से संबंधित है, तो सही शब्दों का प्रयोग करिए, क्योंकि आपने उन विषयों को गहराई से पढ़ा है। बोर्ड तो यही मानता है क्योंकि आपने इतने सारे लोगों को बीट करके मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ठीक ढंग से औपचारिक भाषा का प्रयोग करके बात करें। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, भले आपको नॉलेज कम हो लेकिन अगर ठीक ढंग से आप बात करेंगे, बिना चेहरे पे डर लाए हुए, किसी तरह की घबराहट लाए हुए, तो आप बेहतर कर पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट था हम लोगों का, आई थिंक 6th नंबर, नॉलेज। ये प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रशअप करना पड़ता है, कौन कौन से नॉलेज हमें होना चाहिए। देखिए एक तो जो सिलेबस है आपका, आपने अभी भी मेंस पढ़ा है, अभी मेंस भी हुआ, बहुत सारे आप लोगों ने अभी भी मेंस लिखा होगा, तो सिलेबस को गो थ्रू गए हैं। खासतौर से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पूछ लिए जाते हैं, आप जानते हैं इतिहास से प्रश्न आते हैं, भूगोल से भी प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाता है, आप जिस जगह के हैं, आपका जो नेटिव प्लेस है, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ के पॉलिटिकल सिचुएशंस, ये के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो एरियाज भी मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपकी होम सिटी या जिसको हम लोग नेटिव प्लेस कहते हैं, गृह नगर या गृह जिला, उसके बारे में आपको तैयार करना, उसका हिस्टोरिकल नॉलेज, उसका पॉलिटिकल नॉलेज, उसके बारे में वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है, वहाँ के बड़े लीडर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, पूछ लेते हैं कई बार, बहुत फेमस लोग हैं तो वहाँ के बारे में वो पूछ लेते हैं। अभी चुनाव है, कौन वहाँ का प्रत्याशी है लोकसभा का, किस पार्टी का है, तो अगर आप सोचेंगे
कि ये क्या पूछ रहे हैं और आपको उस वक्त याद नहीं है, तो सोचेंगे तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप जागरूक या अवेयर व्यक्ति नहीं हैं। तो होम हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, कोई मैथोलॉजिकल नॉलेज अगर वहाँ के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई उज्जैन का है, कोई मैहर का है, तो वहाँ बड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, मैथोलॉजिकल प्लेसेस हैं, पौराणिक स्थान कहे जाते हैं ये लोग, धार्मिक स्थान है, पर्यटन के स्थल हैं, तो वहाँ के बारे में जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो आप वहाँ पले बढ़े हैं। ग्रेजुएशन या पीजी, जिस सब्जेक्ट में भी आपका रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उस सब्जेक्ट का जो बेसिक नॉलेज होता है, आप सिलेबस उठाइए और एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा। ग्रेजुएशन से संबंधित जो सब्जेक्ट रहे हैं वहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कई बार होता है नहीं पूछा जाता, लेकिन वो पूछ सकते हैं इस चीज़ को। करंट अफेयर्स, या इसको कहूँ करंट अफेयर्स या इशूज, जैसे अभी CAA का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है ना, पॉलिटी आप जानते हैं, आप लोग भी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं राज व्यवस्था को, तो यहाँ से प्रश्न वो पूछ लेते हैं। आपको फैक्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए। एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं 2019 और 20 के MBBSC के इंटरव्यू में फैक्ट्स बहुत पूछे गए हैं, ख़ास तौर से MP और इंडिया से रिलेटेड, MP से तो बहुत ज़्यादा। तो MP की पॉलिटी के बारे में आप ज़रूर फैक्ट्स को याद रखिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है, वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो अपने को याद रखना, और प्री के लिए आप लोग याद भी करते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर्स के नाम, गवर्नर्स के नाम, है ना, महिला गवर्नर, महिला मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी महिला, इस तरह के जो तथ्य हैं ना, उनको आप पढ़ लीजिए। पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिला हुआ है तो वो पढ़ लीजिए। अपने होम सिटी ट्राइबल्स के बारे में स्पेशली आप पढ़ लीजिए, ट्राइबल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये नॉलेज, कौन कौन सा नॉलेज हमको गेन करना है, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। होम सिटी के बारे में, ग्रेजुएशन का जो भी सब्जेक्ट है आपका, करंट अफेयर्स, करंट इशूज जो हैं, पॉलिटी MP की, हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी भी, ख़ास तौर से जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के बारे में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं कि हमको ये इन चीज़ों की, इन्हीं नॉलेज को लेकर के अगर इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, कंटेंट प्रिपेयर्ड है आपको, तो आप कम्युनिकेशन बढ़िया करिए, इसी को ढंग से बताने का घर पे प्रयास करिए, दो लोगों के, अपने दोस्तों के सामने बताइए, कोई नहीं मिलता है तो आईना के सामने, आईना सबके के पास होगा, आईने के सामने बैठिए और एक प्रश्न बोलिए और उसका आंसर दीजिए, उसको मोबाइल में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको सुनिए कि आपकी आवाज़ जो है कांप रही है क्या, उसमें घबराहट महसूस हो रही है क्या, तो उसको सुधार करिए, दोबारा बोलिए, आप फंसेंगे नहीं उसमें, घबराहट धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आईने में जब आप अपने आप को आई कॉन्टैक्ट देंगे तो धीरे धीरे जो आई कॉन्टैक्ट की समस्या जिन लोगों को है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अभी ये देखने में आया कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपसे, ओपिनियन बेस्ड, किसी भी मुद्दे पे आपकी क्या राय है, ठीक है, तो आप राय ज़रूर दीजिए उस पर, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो, और ज़्यादा नहीं पढ़ा है, बहुत कम है, तो थोड़ा सा बता करके उसके उनको बता दीजिए कि सर इस मुद्दे पर मेरी जो नॉलेज है वो सीमित है और वो इतना ही है, लेकिन मैं इसको जा करके वापस पुनः पढ़ लूँगा, इसको समझने का प्रयास करूँगा। इसको आप सॉरी बोलेंगे तो उनका लगेगा कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो पूछते करंट के ही मुद्दों से हैं, तो ओपिनियन बेस्ड मुद्दों में वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैंडल करते हो, आपका जो आंसर है वो लॉजिकल है, उसमें आपका एटीट्यूड शो हो रहा है, झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर है कि नहीं है, और जो फैक्ट्स उससे रिलेटेड है वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें, और ख़ास तौर पे MP गवर्नमेंट की जो अभी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं इलेक्शन की घोषणा के ठीक पहले 4-6 महीने में, उनको ज़रूर रिवाइज़ कर लें, क्योंकि वो वहाँ से प्रश्न आपसे
पूछ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। जब आप प्रश्न बनते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप अच्छा हो जाता है। देखिए, मैं कहता जरूर हूँ कि कॉन्फिडेंस, कोई भी कहता है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब प्रश्न नहीं बनते ना तो सबका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, बहुत नेचुरल सी बात है। तो उसका इलाज ये है कि पहले से हम पढ़ के जाएं। अगर 10 प्रश्न में से हमसे 8 प्रश्न बन गए तो हम ये मानेंगे कि हमने ठीक ठीक जवाब दिया। 2 प्रश्न तो ऐसा कोई नहीं है जिसको कि 100% आंसर्स बने। कभी कभी हो जाता है कि कभी कभी 100% भी बन जाता है। ठीक, तो ये बेसिक क्लास थी कि हमें किस तरह से तैयारी को शुरू करना है। देखिए, सारा चीज़ें आपने पढ़ रखी है, बस उनको स्ट्रीमलाइन करना है, उसको कलेक्ट करना है, अरेंज करना है अपने दिमाग में और प्रैक्टिस करनी है कि हम उसको कैसे बोलेंगे जाके वहाँ पे। रिहर्सल बहुत मायने रखता है। देखिए, रिहर्सल मायने रखता है। बड़े बड़े फिल्मों में जब शूटिंग्स होती हैं तो बड़े बड़े कलाकारों को भी कई बार अपने डायलॉग रटने पड़ते हैं, और यहाँ भी लगभग ऐसा मत सोचिए कि नहीं होता, यहाँ भी बहुत सारे देखा जाए अगर एक तरह से तो। एक हम एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो जीवन में एक ही बार आती है शायद, या दो बार आएगी इंटरव्यू, अगर आप सेलेक्ट नहीं होंगे, होंगे तो 2 या 3 बार इंटरव्यू देंगे, 4 बार इंटरव्यू देंगे। तो उस इंटरव्यू फेज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, अपने कम्युनिकेशन को अच्छा करिए, अपने नॉलेज बेस को अच्छा करिए और उसको बताने का अभ्यास करिए। अगले फ्राइडे को, जो कमिंग फ्राइडे है, उस दिन क्लास रखी गई है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, तो आकर के आप संस्थान में, और टाइमिंग्स उसका टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा, आप आकर के मिल करके बात कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं, खासतौर से इंटरव्यू को लेकर के। हर व्यक्ति से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, तो उनके प्रश्न भी अलग हो जाते हैं और उनकी समस्याएँ भी अलग होती हैं। तो आप इंडिविजुअली आकर के मिल सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जल्दी होली के जस्ट बाद हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे, तो आप लोग अपने डैफ, या जिसको हम PIF भी बोलते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म, जो आपने आयोग में जमा किया है, उसको संस्थान में जमा करवा दीजिए, ताकि आपका मॉक इंटरव्यू आयोजित किया जा सके। इंटरव्यू के बाद आपको फीडबैक भी मिलेगा, आपके रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे, ताकि आप उसको सुधार कर सकें। चलिए, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।